हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6, वर्क पर एनर्जी. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म. सो टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय स्प्रिंग फोर्स. बेटा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं तो ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है. व्हेन वी विल अप्लाई अ फोर्स देन दिस स्प्रिंग विल कंप्रेस अप टू अ डिस्टेंस एक्स सी. एंड इफ वी अप्लाई अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू अ डिस्टेंस एक्स ई. इन बोथ द केसेस द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी एप्लीकेबल इन एक्स सी एंड एक्स ई. एंड इन बोथ द केसेस द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द डिस्टेंस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर दैट the restoring force is directly proportional to position and direction of both the things are opposite. So you can take Fs is equal to minus Kx. K is basically spring constant. So when you have to find out the work done, then you can take it Ws will be equal to F into dx. Then what is F here? F is restoring force, that is minus Kx into dx. माइनस के इज कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक इट आउट. एक्स टी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? एक्स टी पार 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 1 बाई 2. जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, बट एक नेगेटिव ऑलरेडी बाहर है. देन व्हेन यू विल सॉल्व इट देन इट विल बिकम 1 बाई 2 एक्स आई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एक्स एफ स्क्वायर. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट the spring force depends only on the end points, but when you will go for the round trip, or you can say आपने xi तक pull किया और उसके बाद आपने उसको release कर दिया, तो spring जो है वो वापस आपकी कोशिश करेगी कि zero पे आ जाए. तो xi square minus xi square क्या हो जाएगा? zero हो जाएगा. it means कि spring force में जब आप round trip में लेते हैं तो वो आपका क्या रहता है बेटा? work done zero रहता है. तो ऐसा देख दोनों conditions आपकी क्या satisfy कर रही है कि spring force आपका कैसा force है? conservative force है. अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी Vx से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखते हैं, तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन के लिए जनरल फॉर्मूला हम क्या दे सकते हैं बेटा? Vx विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 के एक्स स्क्वेयर. तो अब हम इससे फॉर्मूला कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को डेराइव किया है माइनस डीवी बाई डीएक्स, दैट इज माइनस के एक्स से. फोर्स से हमने इस इक्वेशन को डेराइव किया है, किसको? पोटेंशियल की इक्वेशन को. सो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी एम मास के ब्लॉक को एक्स ई डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया, उसके बाद उसको रिलीज करते हैं रेस्ट से, तो उस केस में उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो थ्रू आउट द होल पाथ उसकी कॉन्स्टेंट बनी रहेगी. लेकिन जो आपकी एक्स ई डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वहां पर पोजिशन की वजह से उस पार्टिकल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी. और उस पॉइंट के ऊपर आप बॉडी को रेस्ट से रिलीज कर रहे हो. बॉडी रेस्ट पे है, मतलब कि काइनेटिक वेलोसिटी जीरो. वेलोसिटी जीरो मींस काइनेटिक एनर्जी जीरो. इट मींस कि एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, दैट इज टोटली इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. व्हेन यू विल रिलीज द बॉडी, इट विल बी इन मोशन, सो देर विल बी सम वेलोसिटी, डेफिनेटली देर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी. सो यू कैन सी इन द लास्ट डायग्राम that when your body will lie in between the zero and xc, then you can see that that body is in motion, and you can see that it will be in this direction, and it will be in this direction, then what you can say that simultaneously velocity is increasing but the distance is decreasing. So you can say that potential energy is going to decrease and kinetic energy is going to increase. So this is the condition for point of extreme condition, that is 1 by 2 kx square. At this point the whole energy is in terms of potential energy, but in the intermediate situation partially kinetic partially potential energy lie karegi, then it will become 1 by 2 kx square plus 1 by 2 mv square. So isse aage agar hum baat karte hain equilibrium condition ki, so equilibrium pe aa jaoge aap to beta position ka component zero ho jayega, to potential energy totally zero. उस केस में जो आपकी टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ओनली इन काइनेटिक एनर्जी. सो अगर हम एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन कंडीशन. सो हेयर इट विल बी इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी, हेयर इट विल बी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी.
सो 1 बाई टू के एक्स सी स्क्वेयर इक्वल टू 1 बाई टू एम वी एम स्क्वेयर. 1 बाई टू से 1 बाई टू कैंसिल हो गया. एक्स सी कितना आ गया बेटा, वी एम कितना आ जाएगा, अंडर रूट के बाई एम एक्स ई. एक्स सी इज द डिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन, के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एम इज द मास. नेक्स्ट आपका आता बेटा, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आप पीछे एक बार देखिए डायग्राम. वी और एक्स के बीच में एक साइड में लीनियर है, एक साइड में आपकी पैराबोलिक इक्वेशन है. तो हमने पढ़ा था कि जब एक साइड में लीनियर हो एक साइड में पैराबोलिक हो तो ऐसे सॉरी क्वाड्रेटिक हो तो ऐसी जो इक्वेशन होती है वो आपका पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है. तो हमारी जो इक्वेशन है पैराबोलिक इक्वेशन होगी. तो जब हम बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है, तो जो येलो लाइन है दिस इज बेसिकली शोइंग द टोटल एनर्जी एंड यू कैन सी थ्रू आउट द होल ग्राफ द टोटल एनर्जी इज कंजर्व. बट इन दिस केस पर्पल कर्व इज बेसिकली शोइंग द काइनेटिक एनर्जी व्हाइल द पिंक कर्व इज बेसिकली शोइंग द पोटेंशियल एनर्जी. सो एट द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन और यू कैन से एट द ओरिजिन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, दैट इज पोजीशन उसकी जीरो है. बट द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम. बट व्हाइल यू आर गोइंग टू द एंड पॉइंट दैट इज एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सटेंशन की टर्म में जाएंगे तो एक्सटेंशन के केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक आपकी रेस्ट पे आने की वजह से जीरो हो जाएगी. सो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग. यही दोनों पॉइंट मैंने आपको अभी अभी बताया है बेटा. इससे नेक्स्ट हमारा आता है कोलिजन. तो कोलिजन क्या होता है बेटा, हमारे पास तीन टाइप के कोलिजन बेसिकली एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट है आपकी इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड है आपकी कंप्लीटली इन इलास्टिक और थर्ड है आपकी इन इलास्टिक कोलिजन. तो कोलिजन के लिए बेसिकली क्या होता है बेटा, दो अलग अलग मास के पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होते हैं. किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आकर वो दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं. अब कोलाइड करने के बाद में उनकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है जिनको हमने यहाँ पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो कोलिजन के अंदर चाहे किसी भी टाइप की कोलिजन आपकी हो, एक टर्म आपकी हमेशा लाई करती है. वो क्या होती है बेटा, दैट इज बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन. तो कोलिजन के केस में आपका मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा होल्ड करता है. बट इफ यू विल गो फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन के केस में आपकी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होगी. टोटल मैकेनिकल की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, टोटल काइनेटिक की बात कर रही हूँ. तो इस केस में आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. बट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. तो तीनों पॉइंट्स, तीनों कोलिजन में आप पहले दो पॉइंट देखो, आपको समझ आ गए होंगे, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ. तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें कोलिजन के बाद में जो पार्टिकल है वो अपनी जो इनिशियल कंडीशंस थी उनको रीगेन कर सकता है, जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन हुए हैं उनको वो रीगेन कर सकता है. जबकि जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर क्या होता है बेटा, जो कंप्लीटली इन इलास्टिक होगी उसके अंदर तो हमारी दोनों बॉडी कोलिजन के बाद में स्टिक हो जाएंगी एक साथ और फिर वो दोनों बॉडी एक पूरे सिस्टम की तरह बिहेव करेंगी जिसमें कि वो एक सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी. लेकिन जो आपका इन इलास्टिक कोलिजन होगा इसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो आपकी पार्शियली रिफॉर्म कर सकती है अपनी इनिशियल कंडीशन में, कुछ उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लॉस्ट भी हो जाती है. तो दीज आर द बेसिक कंडीशंस एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल फर्दर. सो यू कैन सी फर्स्ट पॉइंट है टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है चाहे कोलिजन इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो. सेकेंड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी केवल इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक में नहीं रहता है. जबकि थर्ड पॉइंट है कि कोई भी कोलिजन आपकी परफेक्टली इलास्टिक या इन इलास्टिक नहीं हो सकती. एंड जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है दैट इज बेसिकली इन इलास्टिक कंडीशन. तो अब हम सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन 1D में पढ़ते हैं. तो बेटा आपको बहुत ध्यान से देखना है, 1D की जो कोलिजन होती है उसको हम बेसिकली वन डायमेंशन या हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं. ये एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है. तो ये हमारी कोलिजन है, देखो इसमें बिफोर कोलिजन आपकी बॉडी अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हुए, देखो M1 M2 है कोलिजन किया
आफ्टर कोलिजन बॉडी अलग अलग तरह से वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हम कोलिजन के केस में हमेशा बिफोर कोलिजन की जो वेलोसिटीज होती है उनको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आफ्टर कोलिजन की जो वेलोसिटी है उनको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, मासेज को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट पार्टिकल के लिए एम वन मास, यू वन इनिशियल वेलोसिटी, वी वन फाइनल वेलोसिटी। एम टू के लिए एम टू मास, यू टू इनिशियल वेलोसिटी, वी टू फाइनल वेलोसिटी। यू आर बेसिकली बिफोर कोलिजन, वी आर बेसिकली फाइनल आफ्टर कोलिजन। सो यू कैन सी दिस डायग्राम, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में है तो दोनों के ऊपर एक दूसरे की वजह से फोर्स लगेगा। दिस इज एफ टू वन, दिस इज एफ वन टू, दोनों दूसरी तरफ में अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो ये हमारा आगे मूव करके चला गया। तो हमें तीन कंडीशन, दो कंडीशन है, एक कंडीशन है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वही कंडीशन आप अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आगे देखो m1 v1 plus m2 v2 is equal to में m1 u1 plus m2 u2। नेक्स्ट है हमारा बेटा जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, m2 m2 को एक साथ ले लो, m1 m1 को एक साथ ले लो, इट मींस कि m2 v2 minus u2 is equal to m1 v1 minus u1। ये तो हमारा आया बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन से। अगर हम यहीं पर बात करते हैं किसकी, एनर्जी कंजर्वेशन की, तो वो आपका कैसे दिखाओगे आप, बिफोर कोलिजन एनर्जी कंजर्व रहेगी, आफ्टर कोलिजन भी एनर्जी आपकी वही बनी रहेगी। तो क्या आ गया आपका, 1 बाई टू एम वन यू वन स्क्वेयर इज इक्वल प्लस 1 बाई टू एम वन वी वन स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1 बाई टू एम वन यू वन स्क्वेयर प्लस 1 बाई टू एम टू यू टू स्क्वेयर। अब अगर हम बात करते हैं इसको ओपन करके तो 1 बाई टू से 1 बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टू वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, एम वन वाली को एक साथ ले लो, तो हमारा बन जाएगा m2 v2 square minus v1 square u2 square is equal to m1 v1 square minus u1 square। तो अब हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पर हम a square minus b square का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारा बनेगा a minus b into a plus b, that is v2 minus u2 v2 plus u2। Similarly right side में बनेगा। अब जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 वाला जो पूरा टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में क्या टर्म बचेगा रिमेनिंग, v2 plus u2 will be equal to v1 plus u1। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से v2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी v1 plus u1 minus u2। जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे और इस इक्वेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे जो हमारी मोमेंटम कंजर्वेशन की थी, यहाँ से हम v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे v1 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल है इसको आप सोल्व करिए बेटा, ये हमारी v1 की वैल्यू आ जाएगी। इन द सेम वे अगर आप यहाँ से v2 v1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आप v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये आपकी v2 की वैल्यू आ जाएगी। अब v1 v2 आपके पास है, ये आपकी v1 v2 है। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला केस क्या है बेटा, तो दोनों मास इक्वल है, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m रखोगे तो फर्स्ट टर्म जीरो, यहाँ पे सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा 2u2, 2m 2m upon m plus m 2m into u2, तो 2m से 2m cancel, u2 बन गया। v1 velocity u2 के equal आ गई, और similarly जब आप इसको open करेंगे तो यहाँ से 2 upon 2 cancel, तो v2 velocity u1 के according आ गई। means जब आप mass equal रखते हो तो आपकी velocity just interchange हो जाती है। अब इसी का सब केस देखते हैं, जब second body before collision rest पे, तो before collision rest पे मतलब कि before collision की velocity zero है, बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी हम यू टू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों ही केस में यू टू को जीरो रख दो तो वी वन जीरो हो जाएगा, मतलब कि आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी है वो रेस्ट पे आ जाएगी लेकिन सेकंड बॉडी यू वन वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। सेकंड केस देखिए बेटा, जब आप देखते हैं एम वन इज ग्रेटर देन एम टू, तो एम टू बहुत ज्यादा है तो एम टू को नेग्लेक्ट कर दो, एम टू को नेग्लेक्ट करो तो दोनों इक्वेशन में एम टू को जीरो पुट करो, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जब यहाँ पे एम टू को जीरो पुट करो तो एम वन अपॉन M1 that is U1 आ जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट की तो टोटल टर्म जीरो बन जाएगी, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा आपका ये M1 upon M1 that is 2U1 आ जाएगा, तो हमारी V1 equal to U1 और V2 equal to 2U1 minus U2 बन जाएगा। लेकिन अगर हम अब इसके सब केस की बात करते हैं तो सेकंड बॉडी को अगेन रेस्ट पे देते तो U2 हमारा जीरो हो जाएगा, तो V1 equal to U1 बन जाएगा और V2 equal to 2U1 बन जाएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ, अभी इसी का एक सब केस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।